नहीं हटी है, कतई नहीं हटी है। वी स्टिल स्टैंड बाय आवर वर्ड। थैंक यू जी। एक तो ये कि जो ये इजाजत नहीं दी जा रही, उनका इल्जाम ये कि जी आप वो लोग क्या जमा कर रहे हैं, क्या उन्होंने क्या पहले से क्या प्लान बनाया हुआ है, वो ज्यादा गंदम प्रोक्योर कर लेंगे और वो रख लेंगे। दूसरा सवाल ये कि सिंध हुकूमत कितनी सब्सिडी दे रही है इस पूरे प्रोसेस के लिए। देखिए जी, अगर आप 10,000-14,000 की गंदम जो हम 10,500 रुपये में दे रहे हैं, तो आप उसे खुद अंदाजा लगा ले, 3,500 रुपये हो जाता है। ये लगभग 8-10 अरब रुपए की खाली 5 लाख बैग पर जाकर सब्सिडी बनती है। 20 लाख बैग पर ये तकरीबन 12-15 अरब रुपए की टोटल सब्सिडी होगी। मगर क्यों? क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारे लोगों को सस्ता आटा मिले। पूरा मैंने आपको कैलकुलेशन बता दी कि 10,500, उसमें आप 1,500 रुपए ग्राइंडिंग के रखें तो वो आपका बन जाता है 12,000। 12,000 से हिसाब से बनेगा 120 रुपया पर केजी। चलें जी, मिल वालों का हक है, आप 5-10 रुपए अपना मुनाफा रखें, मगर ये सिंध गवर्नमेंट की 5-10 हजार में आप ले और आटा बेचे 160-170 रुपए में, ये मुझे मंतक समझ नहीं आया। और फिर कहना कि ये गवर्नमेंट का फॉल्ट है, गवर्नमेंट आपको इतने अरब की सब्सिडी दे रही है कि ये गरीब लोगों को 130-140 रुपए, 125 रुपए के बीच में आटा मिले, मगर आप आकर कहते हो कि आटे का रेट 200 चला जाएगा। भाई जो गंदम हम आपको दे रहे हैं, आप वो पीस कर लोगों को दे ना। लोगों को जाना चाहिए मिलों पर, पूछना चाहिए, आप कंप्लेन करें जो आपको आटा महंगा दे रहा है, आप गवर्नमेंट को कंप्लेन करें, गवर्नमेंट उसके खिलाफ एक्शन लेगी। मुकेश साहब ये बताएं कि आपने यहाँ गंदम की बात की है, लेकिन इससे बड़ा मामला इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में हो रहा है। जज साहब ने, चीफ जस्टिस ने एक जो है वो इस्तदा मुस्तरद कर दिए फुल कोर्ट वाली, उसमें ये भी रिमार्क्स आए हैं कि जी सियासी जमातें अपनी मर्जी का फैसला चाहती हैं और जो सियासी जमातों के मर्जी के फैसले आते हैं, आप दोनों से सवाल है, चलो ये रियायत देती है, तो आप वो चीफ जस्टिस इतनी बड़ी बात कैसे कर सकते हैं कि सियासी जमातें अपनी मर्जी का फैसला चाहती है। अरबाब साहब, अगर आप माइंड ना करें, ये पहले गंदम का इशू खत्म करें, फिर सचिन साहब अच्छा जो चांदे साहब ने बात की, एक चीज वाजे कर लें कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी किसी भी इदारे को डिक्टेट करना नहीं चाहती, और मैं समझता हूं कि अगर किसी भी शख्स में अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है तो फुल कोर्ट बनाने से कौन मना करता है। जब आईन और कानून आपको इजाजत देता है और अगर आपके किसी बेंच पे सवालिया निशान उठते हैं, तो बेहतर यही है कि आप फुल कोर्ट बनाएं, ताकि जिन लोगों के खदशात हैं वो खदशात दूर हों। ये नहीं होना चाहिए कि अगर मैं किसी कुर्सी पे बैठा हूँ तो मैं उस कुर्सी पे अपनी ही मनमानी चलाता रहूँ और मैं उसके तहत जो है लोगों के खदशात को बढ़ाता रहूँ। इस वक्त पाकिस्तान में अशद जरूरत है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस है कि पूरी कौम एक पेज पर आए, पूरा पाकिस्तान एक पेज पे आए। ये नफरतों की सियासत खत्म होनी चाहिए, ये डिफरेंसेस की सियासत खत्म होना चाहिए, अदम बर्दाश्त की सियासत को खत्म होना चाहिए, पोलराइजेशन की पॉलिटिक्स को पाकिस्तान से दफका में दफन होना चाहिए। सिर्फ और सिर्फ हम सबको एक पेज पर आके जो हमें पाकिस्तान के लिए और पाकिस्तान के इदारों को मजबूत करें और पाकिस्तान की सियासत को मजबूत करें, पाकिस्तान की जमहूरियत को मजबूत करें। लेकिन जो अफसोसनाक रवैया इस वक्त नजर में आ रहा है, मैं समझता हूं इससे पोलराइजेशन को फरोग मिल रहा है। मुकेश साहब ये बता दीजिएगा, आपने अब तक जो 5 लाख इनको दी है, लेकिन फिलहाल मिलने वाले ये कह रहे हैं कि सिंध हुकूमत जो है हमें गंदम लाने नहीं दे रही, तो आप कह रहे हैं कि 105 रुपए किलो आप गंदम दे रहे हैं, तो कितने रुपए किलो इनको आटा चलाना चाहिए? अगर चलाना नहीं चला रहे तो आपका महकमा इनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं कर रहा? क्यों फिलहाल मिल को सील नहीं किया जा रहा? क्यों आप उनके हाथों बिल खोल रहे हैं? आपने मेरे ख्याल में पूरी बात की जड़ निकाल दी, इसी वजह से तो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है उनकी, कि जब पूछा गया कि आटा महंगा क्यों दे रहे हो, तो बोलते हैं हम स्ट्राइक पर चले जाएंगे। आपको गंदम जब मिल रही है, आपको जो आपकी रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से आपको गंदम मिल रही है, आपका काम है आपको गंदम मिले, फिर हम कहां से भी दें। सिंध गवर्नमेंट ने, यह पहली बार हिस्ट्री में हुआ है कि अप्रैल के महीने में भी गंदम प्रोवाइड कर रही है, यह पहली बार हिस्ट्री में हुआ है, जस्ट टू स्टेबल द मार्केट, के जो गंदम हमारी है पूरे सिंध में गवर्नमेंट प्रोक्योर करे,
उसके बाद हम चाहते हैं कि जो वाफर मकदार में गंदम है उसको हम एक्सपोर्ट करें, वापस हम एक्सपोर्टिंग कंट्री बन जाए। सर वो मैंने अभी बताया ना, 10,500 में गंदम हम दे रहे हैं एक्स मारीपुर गोदाम, वो होता है 105 रुपए, मतलब फी किलो हो गया। 15 रुपए आप उसमें ग्राइंडिंग लगा दे तो वो हो जाता है 120 रुपए। 10 रुपए का भी पर केजी मुनाफा रखे या 5 का रखे, 125 130 से ऊपर तो आटा नहीं होना चाहिए। जब हाँ, अगर 14,000 वाली गंदम 3,500 रुपए सब्सिडी देकर गवर्नमेंट दे रही है, और उसके बाद जब मैं सवाल करता हूँ कि क्यों आटे का ये रेट है, बात आ जाती है जी हमें गंदम ही नहीं मिल रही है। आपको ये पसंद है कि आप 12,000 रुपए वाली गंदम इंटीरियर सिंध से ले आए कराची और उसका आटा बनाकर चलाएं, मगर जो गवर्नमेंट आपको दे रही है गंदम 10,500 रुपए में, क्या हर्ज है भाई? इसका कोई मंतक समझ नहीं आया। सब्सिडी आप दे रहे हैं, सब चीजें आप तफसीलात बता रहे हैं, मिल्स वाले आपकी बात नहीं मान रहे, ये सिंध गवर्नमेंट की कहां कमजोरी है कि आप उसके मजबूत नहीं कर रहे हैं? देखें जी, सिंध गवर्नमेंट की कोई कमजोरी नहीं है, सिंध गवर्नमेंट ने अपना स्टैंड लिया है, डिस्ट्रिक्ट पर बैन है, कोई गंदम इधर से उधर मूव नहीं होगी, सवाए इस वक्त जो गाड़ियां आ रही हैं एनएलसी की हैं, और वो सिंध गवर्नमेंट की गंदम डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट से उठकर हमारे वेयर हाउसेस पर आ रही हैं, उसके अलावा कोई अलाउड नहीं है इस वक्त। आपको जितनी गंदम चाहिए कराची फ्लावर मिल एसोसिएशन को इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के थ्रू मैं कह रहा हूँ, जो 20 लाख की कमिटमेंट है, खाली कल आप आए 20 लाख के चालान भरे, 20 लाख बैग हम आपको सप्लाई करते हैं। खुद आटा क्यों नहीं बेच लेती रमजान की तरह? 650 मिले नहीं होती है मेरे, हमारे पास फ्लावर मिले नहीं है ना, 650 का बेच रहे पहले वो। सर हमने तो BISP के थ्रू रमजान में उनको पैकेज दिया था, 70 लाख लोगों को घर बैठे पैसे मिले। अच्छा ये फरमाएं कि बंपर क्रॉप हुई है इस दफा गर्मी, उसमें सिंध का कितना हिस्सा? देखिए जी, एक्चुअली लास्ट ईयर जो हमारे पास थी 34 लाख मेट्रिक टन गंदम थी, और परसों ही CM साहब ने मेरे से पूरी ब्रीफिंग ली इस हवाले से, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट ने जो हमें दी है कि इस साल की प्रोडक्शन जो है 36 लाख मेट्रिक टन हुई है, तो पिछले साल से 2 लाख मेट्रिक टन ज्यादा हुई है, बनिस्बत कि हमारे गरीब लोगों ने इतना फेस किया सैलाब की सूरत हाल हर एक चीज को देखते हुए, फिर भी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह 2 लाख मेट्रिक टन पिछले साल से ज्यादा प्रोडक्शन हुई। मकसद ये है कहने का, अगर इसका रेट नहीं बढ़ाया जाता, अगर सपोर्ट प्राइस नहीं बढ़ाई जाती, तो गंदम की जो प्रोडक्शन है वो इससे 50% भी नहीं होती। लेकिन क्योंकि पार्टी की लीडरशिप ने और सिंध गवर्नमेंट ने यह फैसला किया कि किसानों को रिलीफ देने के लिए, और मुल्क में खुदा ना खास्ता कोई फूड क्राइसिस पैदा ना हो, असल वजह थी कि फूड क्राइसिस होना खुदा ना खास्ता किसी भी मुल्क के लिए बहुत बड़ा एक अलमिया होता है। इन पूरे हालात सैलाबी सूरत हाल मौसमियाती तब्दीलियों के बावजूद ये अगर टाइमली डिसीजन ना लिया जाता तो फूड क्राइसिस बाकायदा पैदा होता, तो फूड क्राइसिस को अवॉइड करने के लिए ये इंसेंटिव, ये इनिशिएटिव लिया गया, ये इंसेंटिव किसानों को और काश्तकारों को दिया गया, जिसका नतीजे में डिस्पाइट ऑफ इतने बड़े सैलाब के और कैटास्ट्रोफी के आपकी गंदम जो है वो वाफर मकदार में पैदा हुई है। ये है अचीवमेंट पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी की सिर्फ। लेकिन गंदम सिंध हुकूमत कार्रवाई करे पई, जैसे नतीजे में बॉर्डर तांजा बंद कर छन, असी कणक नथा बाहर निकलन दूँ। जो होडर्स हैं, जो लोग जखीरा अंदोजी करते हैं, उनका मकसद है कि यहाँ से वो गंदम खरीदें और मुख्तलिफ ममालिक में वहाँ से वो स्मगल करें, इसीलिए सिंध हुकूमत ने बॉर्डर सील किए हुए हैं कि हम पहले अपनी प्रोक्योरमेंट कंप्लीट कर लें। जिस तरह मिनिस्टर साहब ने कहा, प्रोक्योरमेंट जैसे कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद जो है वो शुरू कर दिया जाएगा। देखिए जी, इसमें एक और चीज मैं बोलता चलूँ कि ये जो होल्डर्स हैं और ये जो गाड़ियां चोरी करके हम रोडों पर गाड़ियां जो पकड़ रहे हैं, अकॉर्डिंग टू जो ऑर्डिनेंस निकला है होल्डर्स के खिलाफ और हर एक चीज में, उसमें गवर्नमेंट के पास राइट है कि वो जब्त करे, उनको पैसे ना दे। ऑर्डिनेंस के तहत हम अगर गवर्नमेंट चाहे तो वो माल जब्त कर सकती है, मगर फिर भी गवर्नमेंट किसी गरीब आदमी का नुकसान नहीं चाहती है। जो गाड़ी हम कैप्चर कर रहे हैं उनको भी हम वही रेट दे रहे हैं, जो वॉलेंटरी आ रहे हैं वही सरकारी रेट दे रहे हैं, क्योंकि हम नहीं चाहते अपने लोगों का नुकसान हो। और अगर आप चाहते हैं कि मैं बॉर्डर खोल दूं,
कल पर गंदम की शॉर्टेज होती है, इतने करोड़ों डॉलर खर्च करके फिर हमें इंपोर्ट करनी पड़ेगी, मगर आप जब मैं बॉर्डर खोलता हूं और अफगानिस्तान या दूसरे कहीं जाती है, कौन से डॉलर्स आ रहे हैं हमारे पास? हमारी गंदम शॉर्ट हो रही है, और हमारी गंदम पाकिस्तान की गंदम वन ऑफ द बेस्ट गंदम इन द वर्ल्ड है माशाल्लाह। सर सर अभी 45 दिन गुजर चुके हैं तकरीबन, बल्कि 50 दिन से ज्यादा हो चुका है गंदम की खरीदारी, लेकिन सिर्फ 35% अभी तक टारगेट कंप्लीट हुआ है खरीदारी। वो बता रहे हैं 50% आप... में सर मेरे पास जो रिकॉर्ड है सर, आप वो मिनिस्टर साहब रिकॉर्ड आपको ज्यादा बेहतर दे रहे हैं सर, वो बाहर 4300-4300 रुपए खरीदारी के लिए जा रही है, जबकि आप 4000 रुपए दे रहे हैं, तो वो आवाम तो वहीं देंगी ज्यादातर गंदम आपको। देखिए जी, बॉर्डर सील करने का मकसद क्या था? अगर मैं कराची खोलता हूं तो ये अपनी मनमानी का रेट लेंगे, सिंध गवर्नमेंट कहां से प्रोक्योरमेंट करेगी? 10,060 रुपए हम रेट दे रहे हैं तो उसके हिसाब से 4,024 रुपए। अगर लोगों को नहीं देनी होती तो 50% ऑफ द टारगेट जो आपने 30-35 दिन बोले, नहीं, टोटल वर्किंग 15-20 डेज हुए हैं, क्योंकि इसमें बीच में ईद की छुट्टियां और काफी छुट्टियां बैंक हॉलीडेज की। तो अगर हमने 15-20 दिनों में 75 लाख बैग्स अपने प्रोक्योर कर लिए इस रेट पर, तो मुझे पूरी उम्मीद है अपनी सिंध की आवाम से कि वो सिंध गवर्नमेंट की हेल्प करेगी और वॉलेंटरी आएगी और प्रोक्योरमेंट में हेल्प करेगी हमारे। एक 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 ॾिसो साईं, आवाम वटि सस्तो अटो हिकिड़ो जॾहिं असां हिननि खे इहो ॾिनोसीं, कॾहिं इन लोगों ने कमिटमेंट की थी, ये चीजों को देखते हुए हमने ट्रस्ट फैक्टर पर उनको दे रहे हैं। अगर वो गरीब लोगों के साथ ऐसा कर रहे हैं, गवर्नमेंट तो अपना एक्शन लेगी, मगर थोड़ा उनको भी एहसास होना चाहिए। सर एक अहम सवाल है कि देखने में पिछले दिनों आया तुर्कमेनिस्तान के बॉर्डर के ऊपर भी कुछ अहम इदारों के अंदर सीमेंट की बोरियों में शुगर गई है, क्या ऐसा आप सिंध गवर्नमेंट देख रही है? सिंध गवर्नमेंट से जो एक सवाल, आपका एक सवाल हो गया ना भाई, नहीं हुआ अच्छा सॉरी, सीमेंट की बोरियों। देखिए जी एक बात बता दूं, खाली अब जब से सख्ती हुई है तो कड़े क्या, जो भी कमोडिटी रोकी जा रही है वो फॉरन जब्त करके जो गवर्नमेंट का डिक्लेयर्ड रेट है उन पर पेमेंट की जा रही है, चाहे फिर वो गंदम हो या दूसरी तीसरी चीजें हो। सिंध गवर्नमेंट इज सीरियस दिस टाइम, हम किसी को अलाउ नहीं करेंगे इधर से माल बाहर भेजने का। थैंक यू जी, बहुत बहुत सर। इमरान खान साहब कहते हैं कि 14 मई से पहले इलेक्शन करा दो वरना मैं एहतजाज में तेजी ले आऊंगा, आप क्या कहते? 2 मई तो हो गई आज जी, ये मैं कहता हूँ अकल की बात की जाए। इमरान खान साहब को मैंने कल बयान देखा कि 14 मई से पहले असेंबलियां तोड़ दो, इलेक्शन की बात नहीं की, उसने कहा कि असेंबलियां तोड़ दो, तो बजट कौन पास करेगा? मतलब अगर एक कोई इंसान, अल्लाह ताला 3.5 साल आप प्राइम मिनिस्टर रहे हो, उससे पहले भी आप एक दफ़ा MNA आपको करवाया गया था, तो इतना तो खुदा ने आपको अकल दे दी हो कि बजट पास करने से पहले आप असेंबली तोड़ सकते हो कभी? और अगर बजट के बगैर मुल्क चलेगा कैसे? तो वही बात है ना कि मतलब वो जादू टोने में यही तावीज़ निकलते होंगे। थैंक यू।